नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड क्रांति दल में लगातार जुड़ रहे सदस्यों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। वहाँ पत्रकारों से अन्य राजनीतिक दलों के नेतागण उक्रांद में शामिल हो रहे हैं। वहीं आज एक बार फिर भाजपा नेता सांसद हरिद्वार माननीय रमेश पोखरियाल निशंक के प्रतिनिधि संजय बहुगुणा उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल दल के अध्यक्ष दिवाकर भट्ट की उपस्थिति में हुए। वहीं इस अवसर पर पार्टी में शामिल हुए संजय बहुगुणा ने कहा कि 20 सालों में ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस राज्य के हित में सही ढंग से कार्य कर पाई है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल ही ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड के लिए सर्वोपरि है और इसी को देखते हुए मैंने यूकेडी का दामन थामा है। कि युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है और सब लोगों को यह सोच करके उन्होंने देख लिया है कि बीजेपी और कांग्रेस का जो राज चला है, उन्होंने ये सारी उपलब्धियां इनकी देख ली है। क्या उपलब्धियां इनकी रही हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, किस ढंग से इनका काम करने का तरीका है, तो ये मैं भी ये काफ़ी सोच समझ करके पूरी समझ करके आया हूँ कि मुझे उत्तराखंड क्रांति दल में ही रहना है और इसमें बन करके आवाज़ उठानी है और सब अपने साथियों को इसमें ले करके और सबको जोड़ना है। यही उद्देश्य से हम आए। ये सोचकर भी फैसला लिया, जिस तरह से हमारा उत्तराखंड क्रांति, हमने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए इतना संघर्ष किया है। मैं 90 से भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। मुझे आशाएं थी कि राज्य बनने के बाद अगर बीजेपी ने राज्य बनाया है तो इसके लिए काम करेगी, परंतु जब मैं 20 साल हो गए हैं देखते देखते, 10 साल कांग्रेस राज करी, 10 साल बीजेपी ने राज किया, तो मुझे ये लगा कि ये हमारी उस अपेक्षा में पूरी नहीं उतरी है। जिस तरह से हमने राज्य आंदोलन के लिए जो आवाज़ उठाई थी वो जैसी की तैसी बनी हुई है, वही समस्या है। इसलिए मुझे ये फैसला किया कि उत्तराखंड क्रांति दल ही एक ऐसा एक दल है जो उत्तराखंड के बारे में अच्छा सोच सकता है।